यह आप 2 पीस का बोर्ड है जो इसका सिस्टम लगा हुआ है, और ये करो इसमें आज हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कागज़ के टिशू पेपर है इसके टुकड़े डाले, और आप देख सकते हैं ये टंकी भी पूरी तरह से भरी हुई है। अभी जब हम प्रेस करते हैं नहीं हो पा रहा है। मेन प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो है इसको प्लंबर भाई ने इस पाइप को यहाँ तक डाल दिया है, जिससे ये जो पानी आना है इसको चारों तरफ से होकर आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। जिससे हमने प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं पानी यहाँ से यहाँ तक भी जा रहा है, पानी यहाँ तक पूरा आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा है। तो इसकी यह प्रॉब्लम है, ये जो पाइप है इस पाइप को अंदर तक डाल दिया, इसी पाइप को भी बाहर निकालना है थोड़ा सा। ये पाइप को मैं बाहर निकाल दिया, ये आप देख सकते हैं इधर ये जो छेद है, ये जो छेद है वो भी बंद है। इसकी जो साइड में एक इधर छेद की तरह छेद होता है, एक इधर एक इधर होता है, वो दोनों ये वाले वार्सल से सिमट से बंद कर दिए हैं, जिसके कारण ये पानी का प्रेशर अच्छे से जा नहीं रहा था, जिसके कारण पूरे में पानी फैल के आ नहीं रहा था। तो अभी हम इसको साफ करके फिर से बाहर निकाल के पाइप को काट कर लगाएंगे, तब जाके सही होगा। यहाँ पे छेद होता है जो छेद बंद हो गया था, जिसके कारण पूरा पानी आने रहा था। दोस्तों ये इतनी पाइप बड़ी थी, इसको काट के निकालते गए, अब इसको प्रेस करते हैं। दोस्तों इसका सेंसर इंच लेना है, और ये जो गैप फ्लैटर जिग रहा है उस पर थोड़ा लगाना है, क्योंकि जब भी प्रेस करेंगे यहाँ से तो यहाँ से पानी निकलेगा। अगर आप इंच लगाते हैं तो सही हो जाएगा। ये मेरे पास काली एम सील है, आप यहाँ पर वाइट एम सील भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये इंच लग चुकी है, इंच लग चुकी है, ये थोड़ा आउट एरिया था, यहाँ पर वाइट एम सील नहीं मिल रही, जिसके कारण हमें काली एम सील लगाना पड़ा। अगर आपको वाइट एम सील मिलती है तो आप वाइट एम सील भी लगाइए, जो कि दोनों से मैच कर जाएगा। अभी ये हमारा प्लस सही हो गया है, और प्लस के कारण से पानी ये हमारा प्लस सही हो गया है।